आप क्वेश्चन कर रहे हो इसमें गलत क्या है? वो मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं एक बात बोलूं, आपने बोल दिया, अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया। इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको नाम देते हैं, और कहते हैं वो ही सच है, बाकी सब झूठ है। आराम से समझिए कि जो हिंदुइज्म है वहां पर करोड़ों भगवान क्यों है, उसका लॉजिक क्या है। पहाड़ की भी पूजा हो रही है, मिट्टी की जो मूर्तियां उसकी भी पूजा हो रही है, सूर्य की भी पूजा हो रही है, चांद की भी पूजा हो रही है, किसकी पूजा नहीं हो रही है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबकी पूजा हो रही है। तो हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है, सब में भगवान है। इससे बढ़िया फिलॉसफी, इससे अच्छी फिलॉसफी हो ही नहीं सकती, इससे ओपन फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। मतलब आप भी भगवान हो, आपसे भी जब मिलते हैं तो ऐसे करके मिलते हैं। मतलब क्या कि आपके अंदर का जो भगवान है उसको मैं प्रणाम करता हूं। तो ये पूछा जाता है कि क्या है, साइंस इज ऑल अबाउट क्या, नॉट अबाउट क्यों। कभी ये नहीं पूछते कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्यों है, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो अब ये देखो कि इस दुनिया में क्या है, ये नहीं कि क्यों है। ध्यान से समझना, आप लोगों को ये नहीं बोल सकते कि तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो। अरे करते हैं करते हैं, वो छोड़ो, अपने अपने भगवान की सब पूजा करते हैं। बट अब ये देखो कि रियल प्रॉब्लम कौन है। एक लॉजिक है कि ये मेरा भगवान है और यही सच है और यही सबसे ऊपर है, एक ही भगवान है,